एक क्वेश्चन हमने किया स्टडी, अगर आपको याद हो, डेरिवेशन की थी। सच बताऊं तो अर्थ के अंदर अगर टनल डिक कर दें और उसमें बॉल को ड्रॉप कर दें, तो वो बॉल सेंटर के अबाउट ऊपर नीचे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी SHM में। उसका टाइम पीरियड था T=2π√r/g। मैंने बड़े छोटे से तरीके से आपको करके दिखाया था, वो डेरिवेशन भी थी NCERT की। मैं एक और तरीके से करना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्यों कर तो लिया था, देख लो। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसके ऊपर, क्वेश्चन सेम है। तो मान लें वो टनल ये रही डायमीटर और आपकी बॉल आपने ड्रॉप कर दी, किसी भी इंस्टेंट पर बॉल यहाँ पर है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, वाई पे है। तो अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, आज आप तैयारी करके आए हैं ग्रेविटेशन की, जी बॉल का मास, ये वाला अंदर का मास एम डैश डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर एम डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मास कैसे निकलेगा, पूरी अर्थ का मास एम है और वॉल्यूम 4/3π R³ है, हमें कितने पोर्शन का मास चाहिए, इतने वॉल्यूम का मास चाहिए, तो ये एम डैश आ गया। इस एम डैश को उठा के आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये फोर्स की जगह बॉल का की फोर्स एम में, एम डैश की जगह ये वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास ना ये टर्म आ गई, ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन, SHM की इक्वेशन आ गई। यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई, और यही ओमेगा हमने वहां पे भी निकाला था अगर आपको याद हो तो। हमने ऐसे किया था, इसके बाद अंडर रूट ऑफ जी R² / R³, ऐसे ये किया था, अंडर रूट ऑफ कितना, G/R। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या आ गई, G/R, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/T = अंडर रूट ऑफ G/R, टी की वैल्यू 2π√r/g, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो आप चाहें तो ये डेरिवेशन कर दें या वो डेरिवेशन कर दें, वो आसान थी थोड़ी सी, एक ही बात है। अब मैंने ये फिर से क्यों करवाई, आपके एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मैं टनल को डायमीटर के अबाउट ना डिक करते हुए कॉर्ड बना दूं, टनल को ऐसे बना दूं, तो अब वो बॉल यहां से रिलीज करूंगा तो बॉल यहां से यहां आएगी ऐसे, प्रूव करो ये SHM है और इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया। तो रूल ये है कि बॉल ऐसे जाएगी क्यों, बॉल को कौन खींच रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स कहां लगा रहा है, टुवर्ड सेंटर, कितनी वैल्यू लगा रहा है, एफ। ये अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 - थीटा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट कॉर्ड के अलोंग लग रहा है एफ डैश, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस 90 - थीटा। तो ये फोर्स रिस्टोरिंग होगी जो बॉल को कहां लेके जा रही है, यहां पे, तो ये इसका सेंटर माना जाएगा बॉल का, और बॉल इस सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करेगी। तो कौन सी फोर्स लेके जा रही है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका एक कॉम्पोनेंट लेके जा रहा है, कॉस ऑफ 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ये फोर्स की वैल्यू होगी क्या, ये वही चीज है जो ऊपर की, अभी फोर्स की वैल्यू वाई डिस्टेंस पे क्या होगी, ये निकाली हुई है, ये होगी। इस फोर्स को उठा के आप यहां पे पुट कर दें सेम, और वही, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें, जो कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये वाई है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एम डैश ऊपर जो निकाला था वही सेम, एम डैश का एम डैश पुट कर दें, सॉल्व करें, SHM की इक्वेशन आएगी, ओमेगा आएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं मेरे को पेपर में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आंसर सेम आ गया, ओमेगा की वैल्यू ये रही, ओमेगा की वैल्यू डायमीटर के क्रॉस एग्जैक्टली सेम है। तो ये रूल बना लो कि अगर टनल डायमीटर हो या डायमीटर ना हो, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, डायग्राम बना लो, नोट कर लो कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ का अगर डायमीटर के अक्रॉस टनल है या कॉर्ड के अलोंग टनल है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√ क्या रहेगी, R/g ही रहेगी। इसे नोट कर लें, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रूफ सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया कि एग्जैक्टली कैसे प्रूफ आया। कल को अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है, कम से कम आपको ये पता होनी चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्सेस निकलती कैसे हैं, इसलिए बताया। आया हुआ क्वेश्चन है ये, कॉर्ड वाला क्वेश्चन नीट और मेन में बहुत बार आया हुआ है। अब जिन्होंने तो ये सुन रखा है तो वो तो सीधा मार्क कर देंगे, नहीं सुना हुआ तो फिर सोच ही जाएंगे वहां बैठ के SHM बनाएगा कौन यार, बहुत मुश्किल है SHM कैसे बनते हैं, SHM बनाना आसान थोड़ी है वहां बैठ के, छोटे मोटे क्वेश्चन तो बन जाता है, बड़े क्वेश्चन में कहां बनता है।
ठीक है, ये भी हो गया, कॉर्ड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन SHM की उसने दे दिया आपको, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। अब ये पाई बाय ओमेगा क्या होता है, साइड पे लिख लो, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय कैपिटल टी, पाई से पाई कैंसिल, टी बाय टू। जीरो से टी बाय टू तक आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। एक काम करते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो चेक करें बॉडी है कहां पर, एक्स एक्सिस पर, टाइम को यहां पर जीरो पुट करेंगे, साइन ऑफ क्या आएगा, पाई बाय सिक्स आएगा, तो ए साइन पाई बाय सिक्स, पाई बाय 30 डिग्री होता है, हाफ होता है, तो आंसर क्या आएगा, ए बाय टू। तो यानी कि ये बॉडी चली कहां से, ओरिजिन से नहीं चली, कहां से चली, ए बाय टू पे चली। फिर कहां तक जाना है उसे, टाइम टी बाय टू तक, तो एक काम करें इसके अंदर टी बाय टू पुट करें, ओमेगा इज टू पाई बाय टी, टी से टी कैंसल, टू से टू कैंसल, पाई प्लस पाई बाय सिक्स। मेडिकल के लोग साइन ऑफ पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में आपकी जो साइन की वैल्यू आती है नेगेटिव, तो आएगा माइनस साइन पाई बाय सिक्स यानी कि ए बाय टू, हमने क्वाड्रेंट्स किए थे। तो आपको ये पता लग गया कि आपकी जो बॉडी है वो एक्स इज इक्वल टू कहाँ से चली है, वो एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू से चली है, इधर गई है, फिर इधर आई है, इधर से आती हुई इधर आई है, माइनस ए बाय टू है ना, ऐसे घूम के ऐसे, इसको छोड़ें, ये देखें जो मैंने बनाया है, यहां से जाके यहां से आई है, ठीक हो गया यहाँ तक, रेड जो रेड बनाया मैंने इसको देखें, सिर्फ इसको ना देखें नीचे वाले को, नीचे वाले में ना ये एक्स्ट्रा बन गया एक्चुअली, ये गलत है, बस ये देख लें, यहां से जाके यहां पे आई है, ठीक है, करेक्शन कर लें, ये काट दें, ये नहीं बनेगा आपके बुकलेट में, क्योंकि वो एक्स इक्वल टू जीरो से नहीं चला, वो एक्स इक्वल टू ए कहां पे चला है, ए बाय टू से चला है। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बाय टू प्लस ए बाय टू प्लस ए बाय टू प्लस ए बाय टू, तो ये रहा डिस्टेंस, तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू, टोटल टाइम कितना है, पाई बाय ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है ये आपको, जीरो से पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। मैंने कहा टोटल स्पीड की पहले वैल्यू, स्पीड है ये, स्पीड निकली है पहले, अब निकाल रहा हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी में बॉडी यहाँ से चली गई कहाँ पे, यहाँ पे गई, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए बाय टू प्लस ए बाय टू बस, तो कितनी हो गई ए, टाइम तो उतना नहीं है, पाई बाय ओमेगा, तो ये दोनों ऐसे आंसर आएंगे, इसको सॉल्व करके अलग आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके अलग आंसर आएगा, ये इसका मतलब है, ऊपर वाला ने सॉल्व नहीं किया, फॉर्मूला लिखा एक्चुअल में, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट और फिर से देखो आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ चली, यहाँ से चली इधर आई और फिर इधर आ गई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है देखो, ए बाय टू प्लस ए बाय टू प्लस ए बाय टू, फिर से एक बार गलत बना दिया, फिर से एक बार, आपकी बॉडी कहाँ से चली, यहाँ से चली, इधर से गई और इधर से आई, तो डिस्टेंस कितना, ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू अपॉन टोटल टाइम, स्पीड होगी, और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ आई, तो ए बाय टू प्लस ए बाय टू अपॉन पाई बाय ओमेगा, ऐसे आई, ठीक। तो ये भी बहुत आता है मेंस और नीट में, बहुत आता है, जानबूझ के ना, वो जानबूझ के, मतलब देखो कितना सिर्फ स्टूडेंट ताकि गलती करे, एंगल देखो क्या देते हैं, कॉस ऑफ सी एक्स, सी तुम क्यों देते हैं ना, bracket. तुम ब्रैकेट से ही पागल हो जाओ, देख देख के देखो तुझे कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये ब्रैकेट है कैसी, ये तुम खुद ही कैलकुलेशन में गुम जाओगे, सी एक्स ध्यान से, ठीक है, तो ब्रैकेट गोल गोल ब्रैकेट लगे जा रहे हैं उसमें, सी फॉर ब्रैकेट लग रहा है एक्चुअल में, वो कह रहा है ये एनर्जी ले लो मेरे से, इसका टाइम पीरियड निकाल दो, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, पोटेंशियल एनर्जी से टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पहले रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढनी पड़ेगी, तो पहला स्टेप एक ही रहेगा, वर्क एनर्जी पार, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स वेरिएबल है, लगाओ इसमें, कैलकुलस करो, यू नॉट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, लिख दिया। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, फिर ध्यान से माइनस 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 माइनस, और यहां से c कांस्टेंट है dx by dx 1, तो c आगे आ गया, तो ये डिफरेंशिएशन आ गई। SHM के अंदर रूल है एंगल हमेशा छोटे होते हैं, सिखाया आपको हमेशा, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, साइन ऑफ सी एक्स कैन बी रिटन एज सिर्फ सी एक्स बस, और फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, मास नीचे आ गया, तो ये टर्म बन गई, SHM दिखना स्टार्ट हो गया। SHM की इक्वेशन कंपेयर करके ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड, ऐसे ये हो सकता है, नॉन मेडिकल में थोड़ी ज्यादा कैलकुलस है,
मेडिकल में तो एक लाइन में कर देंगे, ऐसा फंक्शन ही सिर्फ कॉस सी एक्स दे देंगे बस, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। बट तरीका समझ में आ रहा है, यू से पहले एफ कैसे निकलेगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स से फोर्स इज मास इन टू एक्सलेशन होगा, वहां से अपने आप एस एच एम की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट, ये भी बहुत बड़ा आया हुआ है, एक दो स्प्रिंग्स हैं और एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ये इक्विलिब्रियम में थी, आपने क्या किया, आपने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया और छोड़ दिया। जब आपने हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया तो ये ऐसे, जब ये जब वापस आएगा मीन पे इनर्शिया की वजह थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, तो ये किस में होगा, एंगुलर एस एच एम। तो इसका टाइम पीरियड निकाल लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक। तो मान लो आपने इसको ऐसे मूव करवाया तो ये एक्सपैंड हो गया, तो ये भी एक्सपैंड हो गया। जब ये इधर एक्सपैंड हुआ वाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, के वाई। जब ये इधर एक्सपैंड हुआ वाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, के वाई। तो इसके अंदर टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, इसमें फोर्स नहीं होगा, एंगुलर एस एच एम का सिचुएशन है ये। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि के वाई इंटू एल बाई टू, और इसका क्या है, के वाई इंटू एल बाई टू। तो माइनस लगा के वाई इंटू एल बाई टू, के वाई इंटू एल बाई टू, टॉर्क होता क्या है, आई अल्फा, इन्हें ऐड करके टर्म आ गई। आई क्या है इसमें, रॉड का एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, तो आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। और वाई, वाई एंगल मान लो थीटा रोटेट हुआ है, एंगल इज आर्क बाई टेन थीटा, अगर छोटा है कैन बी रिटन एज थीटा इटसेल्फ, तो थीटा अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, वाई अपॉन एल बाई टू। तो थीटा की जगह पुट कर देंगे, थीटा की जगह वाई की जगह, सॉरी ये रहा, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू एल बाई टू इंटू थीटा, तो वाई की जगह एल बाई टू इंटू थीटा। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा थीटा नेगेटिव साइन बन गया एंगुलर एस एच एम, यहां से ओमेगा आ गया, ओमेगा टू पाई बाई टी, टाइम पीरियड आ गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकाला, समझ में आया यहां तक। ठीक, ये दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पहले आए थे 18 और 19 लगातार आए, सबसे मुश्किल पेपर था 18 19 का। मैं वो तरीका बता देता हूं, मुझे नहीं लगता अब ये आएगा, पर मेरे पे विश्वास ना किया जाए, आप क्वेश्चन ही कर लें, ठीक है, मतलब मन सारी रात सोची जाए करूं कि ना करूं, कर लेता हूं, डर लग रहा है ना करूं, दो मिनट लगा देते हैं, दो मिनट खत्म ही कर देते हैं इस काम को, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मिलने वाला है, आपको तकलीफ देने वाला है। ये मेंस में आया हुआ है, मैंने खुद नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर से लेके आया हूं, नीट में कभी आया नहीं है, इस लेवल का क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता, बहुत बार देखो तो सही यार, इसकी शक्ल तो देखो, नीट क्या करेगी इसमें, नहीं आएगा, एनसीईआरटी नहीं आएगा, मेंस में आया हुआ है, ठीक है, दोनों दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूं यार इसमें करना क्या है, ताकि आपको ना एटलीस्ट कंफ्यूजन है, इसको स्टार्ट भी कैसे करना था। देखो इन्होंने एस एच एम ना थर्मो में लगवा दिया, देखो कैसे इन्होंने क्या किया कि सपोज करो आपके पास एक ये पिस्टन लिया, एक पिस्टन है और ये गैस है, तो यहां पर वेट क्या है पिस्टन का, एम जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी एटमोस्फेरिक, पी नॉट वी नॉट अंदर जो है गैस है उसका प्रेशर पी नॉट और वॉल्यूम वी नॉट है, रेस्ट पे है। आप गए, आपने हल्का सा फोर्स बाहर से लगाया, दबा दिया इससे और एक्स दबा दिया और छोड़ दिया, अब होगा क्या, प्रेशर अंदर चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, पी एंड वी हो गया, वेट तो अभी भी एक्ट कर रहा है, आपने एक्स डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, ये गैस से ऊपर फेंक देगी, ऊपर फेंक के पिस्टन यहां से थोड़ा सा ऊपर क्रॉस कर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ऊपर नीचे, प्रूव करो ऐसे चल रहा है। क्या ढूंढनी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स से पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ ये अंडर आइसोथर्मल कंडीशन हुआ, गिवन है, तो एक चीज तो पक्की है, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू पी इन टू वी, पी नॉट वी नॉट, पहले पी नॉट प्रेशर था, वॉल्यूम वी नॉट था और बाद में पी इन टू वी हो गया, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू पी इन टू वी, इक्वेशन नंबर वन। केस नंबर वन में ये रेस्ट पे था, केस नंबर वन में रेस्ट पे था, अगर रेस्ट पे था तो नीचे और ऊपर की फोर्सेस तो बैलेंस कर देते हैं, तो नीचे की फोर्स क्या है, पी एटमोस्फेरिक इनटू एरिया, पी एटमोस्फेरिक इनटू एरिया, और साथ में वेट क्या है, एम जी, और ऊपर गैस क्या प्रेशर, गैस क्या फोर्स लगाएगी, गैस का प्रेशर इनटू एरिया, इक्वेशन नंबर वन संभाल के रख लो। अब क्या करेंगे इसमें, सेकेंड केस में क्या फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ध्यान से देखना, रिस्टोरिंग फोर्स है ये उठा के गैस इसे ऊपर फेंकेगी, कितनी फोर्स से ऊपर फेंकेगी, प्रेशर इनटू एरिया, पी इनटू ए फोर्स से ऊपर फेंकेगी, लेकिन बाकी दो फोर्सेस तो अभी भी लग रही हैं, क्या लग रही हैं, पी एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया और वेट भी लग रहा है,
लेकिन ये वाली फोर्स गैस की बड़ी होगी तभी ऊपर जाएगा। तो यानी कि पीए माइनस स्टैंड फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, तो पीए माइनस नीचे की दो फोर्सेस पी एटमोस्फेरिक इनटू एरिया प्लस साथ में ये क्या लिखा हुआ है वेट एमजी, ये वेट एमजी है ऐसे वेट एमजी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की ये वैल्यू है। एक काम करें सिंप्लीफिकेशन के लिए, नेगेटिव साइन को अगर हम मीन्स इस टर्म को अगर मैं आगे ले आऊँ इसे पीछे ले आऊँ तो मैं नेगेटिव साइन को हटा दूंगा, माइनस साइन तो रिस्टोरिंग के लिए लगाया था पर मैं रीअरेंज कर दिया इसको आगे इसको पीछे करके ये मेरे पास एम ए की वैल्यू आ गई। अब एम ए की वैल्यू आ गई, ये इतनी बड़ी टर्म की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से पता है कितनी पी नॉट ए नॉट, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया पी नॉट ए नॉट, ए कॉमन आ गया इक्वेशन नंबर थ्री, क्योंकि आइसोथर्मल है पी नॉट वी नॉट पी इन टू वी है, वी की वैल्यू अब नई क्या होगी, वी नॉट तो पहले थी और एरिया इंटू एक्स आपने उसको कंप्रेस कर दिया वॉल्यूम, तो ए इंटू एक्स आपने माइनस कर दिया, तो यहां से वी नॉट बाहर आ गया, वन माइनस ए एक्स अपॉन वी नॉट की वैल्यू आ गई, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल तो ये नया प्रेशर आ गया, नया प्रेशर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू आ गई, ये टर्म ऊपर चली गई रेस टू पावर माइनस वन, बाइनोमियल लग गई यहां पर माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये नया प्रेशर आ गया। अब नया प्रेशर आ गया इक्वेशन नंबर थ्री यहां पर आ गई थी, नए प्रेशर में पी की जगह इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे इसे ओपन करेंगे, ओपन करके आपके पास ये टर्म आएगी, एस एच एन दिखना स्टार्ट हो गया, ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा टू पाई बाई टी टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। मेंस वाले यही नहीं रुके, ठीक अगले साल फिर क्वेश्चन डाल दिया, इस बार प्रोसेस एडियाबेटिक करके डाल दिया ताकि लोग रट्टा मार के अगली बार करना थे, उन्होंने प्रोसेस ही एडियाबेटिक कर दिया, सारे स्टेप सेम है, पहला स्टेप ये चेंज हो गया बस, एडियाबेटिक इक्वेशन लग गई, ये स्टेप बिल्कुल सेम हो गया जो ऊपर आइसोथर्मल का था, यहां तक सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, यहां पे फर्क पड़ गया क्योंकि प्रेशर की वैल्यू नई एडियाबेटिक से निकलेगी, वी की जगह क्या पुट करेंगे वी नॉट माइनस ए एक्स, यहां से वी नॉट टू पावर गामा बाहर आ गया, वी नॉट डिवाइड हो गया, ये पी की वैल्यू ये पूरी की पूरी टर्म इसके नीचे आ गई, ये टर्म ऊपर चलेगी रेस टू पावर माइनस गामा, ये और ये टर्म की वैल्यू क्या आ गई पी की वैल्यू आ गई, इस पी को उस इक्वेशन जो थर्ड थी उसमें पुट किया सॉल्व करके फिर एस एच एम आ गया, एस एच एम ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई, मतलब जहां जहां आपने आइसोथर्मल किया था पावर वन चल रही थी वहां पावर गामा आ गई, मतलब आने की अब प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस और इजी फॉर्मेट आ रहा है, ऐसा पेपर नहीं आ रहा, मैंने इसलिए करवा दिया, हो सकता है इसको ब्रेक करके कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आपसे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स ही पूछ ले, हल्की सी एक इक्वेशन ही पूछ ले, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपको करना क्या है बस, ठीक। तो वैसे मुश्किल है इस क्वेश्चन का आना, थोड़ा मुश्किल है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत नहीं है, सही नहीं है ये क्वेश्चन करने के लिए, ज़्यादा टल गया, कोई खुद अपने मर्जी से करना चाहे कर ले यार, मना नहीं करते, ठीक है। के अंदर एक ना ये वॉल है दीवार है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम ये रही इसकी मेन पोजीशन, पेंडुलम को थोड़ा सा आगे ले गए और रिलीज कर दिया, अब पेंडुलम को जब रिलीज किया वो इधर से इधर आया इधर से इधर आया, देखो अगर बहुत ज़्यादा उसको डिस्प्लेस ना किया जाए तो पेंडुलम ना ऐसे घूमता रहेगा, दीवार को अगर ना टच करे, अगर दीवार को ना टच करे, दीवार को कब नहीं टच करेगा, यहां पे एंगल है अल्फा, यहां पे एंगल है बीटा, अगर बीटा अल्फा से छोटा होगा तो देखो ये दीवार को टच नहीं करेगा, जैसे अल्फा मान लो 30 डिग्री है, बीटा मान लो 15 डिग्री है, तो इधर 15 तो इधर भी 15 ही जाएगा ना, तो इसलिए वो दीवार को टच नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या होगा, मार्क करने को आएगा, आंसर इज 2π√L/g आंसर है, डन। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, वो तो पता ही है, अगर टच नहीं करेगा दीवार को तो फ्रीली मूव कर रहा है, फिर तो t=2π√L/g आंसर है। क्वेश्चन ये है कि अगर बीटा अल्फा से बड़ा हो गया, अल्फा तो 30 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री लेके जाओगे इधर भी 60 डिग्री वो जाने की कोशिश करेगा, दीवार 30 डिग्री पे आ गई तो फिर तो टक्कर मारेगा। अब दिक्कत हो गई, यहाँ तो बिल्कुल फ्री ऑसिलेशंस हैं, नेचुरल है, यहाँ दीवार से टक्कर मार के वो उतनी दूर जा नहीं पाएगा जितना दूर उसको जाना था। अब कहेगा इसका टाइम पीरियड निकाल दो, क्या होगा,
तो पहला केस तो मैंने बता ही दिया, बीटा लेस देन अल्फा, बात ही खत्म हो गई। बीटा ग्रेटर देन अल्फा में टाइम पीरियड क्या होगा ये देखते हैं। देखो एक पेंडुलम की यहां की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यहां से यहां जाना टी बाई टू है, यहां से यहां ना टी बाई टू है, सॉरी फिर से यहां से यहां ना टी बाई फोर है, यहां से यहां ना टी बाई फोर है, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर टी बाई टू, तो कम से कम आंसर टी बाई टू तो होगा ही होगा। प्लस यहां से दीवार को टच करना छोटा टी है, कैपिटल टी बाई फोर नहीं है क्योंकि वहां तक तो पहुंच नहीं पाया, वो दीवार ही रास्ते में पहले आ गई तो पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई, कैपिटल टी बाई फोर से कम समय होगा। तो मान लो स्मॉल टी में टक्कर हो गई, जाना स्मॉल टी में वापस आना, अब कुल मिलाकर टाइम पीरियड क्या होगा, इधर जाना टी बाई फोर, इधर आना टी बाई फोर, इधर आना स्मॉल टी, इधर आना स्मॉल टी, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर टी बाई टू प्लस टू टी, सही है। और इसमें कैपिटल टी तो पता ही है मुझे, अंडर रूट ऑफ टू पाई रूट एल बाई जी है। अब सिर्फ मुझे क्या निकालना है, छोटा टी। अगर मैं छोटा टी निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या जबरदस्त टेक्निक लगाई, वो कह रहा है कि देखो इसमें ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये पेंडुलम ज्यादा से ज्यादा इतना एंगल कवर कर पा रहे हैं, बीटा, बीटा से ऊपर तो है ही नहीं ना, अल्फा छोटा है, बीटा थोड़ी ना छोटा है, बीटा तो पूरा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो ए है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब कितना मैक्सिमम एंगल ये कवर कर पा रहा है वो बीटा है। तो एसएचएम एंगल्स ने बना दिया, बीटा एम्पलीट्यूड है एंगुलर, तो पीरियोडिकली एंगल चेंज हो रहे हैं, बीटा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि अल्फा एंगल कितनी समय में कवर हुआ, तो अल्फा एंगल कितने समय में कवर हुआ, और बीटा का मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड है, तो बीटा नीचे आ गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई यहां पे, इस स्मॉल टी को यहां पे पुट किया और ओमेगा की जगह रूट जी बाई एल आंसर आएगा, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा आंसर आएगा इसमें। चलो मैंने तरीका बता दिया, इसका आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, कभी आया नहीं आज तक पेपर में ये, बट देख लिया आपको एक आइडिया हो गया कि ऐसा कुछ टेक्निक इसमें लग सकती है। हथियार तो रखोगे लड़ाई के लिए, अब सारे थोड़ा यूज करने हैं यार, कुछ तो लेके जाओगे जेब में भर के कि ये आता है मुझे, अब खाली दुकान लेके बैठ जाओगे तो फिर करोगे क्या वहां बैठ के, कुछ तो आपके पास सामान होना चाहिए, पता नहीं कौन सी टेक्निक कब लगा दोगे। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें एंगल चेंज हो रहे हैं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, बीटा, और किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, अल्फा, अपने को निकालना है अल्फा कितने समय में कवर हुआ, स्मॉल टी निकाल लिया। अच्छा तो यहां से बीटा नीचे, ओमेगा टी साइन दर गया, साइन इनवर्स आ गया, तो ओमेगा नीचे आ गया, नीट में नहीं आएगा, मैं कहना भूल गया सॉरी, नीट वालों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओनली फॉर नॉन मेडिकल ओनली, प्लीज बताना चाहिए था मुझे ये, नॉर्मली हर क्वेश्चन बता देता हूँ मैं याद नहीं रहा मुझे नहीं आएगा आपको ये, नहीं नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, इतना मैथमेटिकल साइन इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती तो है नहीं, वो मैथ्स वालों को आती है, मैथ्स वाले करेंगे इसे, तुम क्यों करोगे इसे, तुम्हें नहीं आएगा, तुम बेसिक्स पे होल्ड रखना अपना, ठीक जितना सुन लिया ठीक है, आप नीट का पेपर उठाओ, नीट की बुक्स उठाओ, बहुत नॉर्मल लेवल आता है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन किए वैसे आते हैं आपको, ये तो याद ही करना पड़ेगा यार, जरूरत नहीं है करने की। अगर एक पेंडुलम, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तो कभी भी नहीं आया, खैर अगर एक पेंडुलम बहुत बड़ा है, कितना बड़ा देखो तो सही, अर्थ की सरफेस की जितना कंपेयर, इतना बड़ा पेंडुलम बना दिया, थोड़ा भी नहीं है, तो इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ये होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, ये होगा, सीधा फॉर्मूला नोट कर लें, अगर पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ऐसा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, वैसे ये आएगा ना आया है कभी, तो कॉम्प्लेक्स है यार, दिखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है यहाँ तक, हाँ वैसे किसी ने प्रूफ देखना है घर जाके बुकलेट में देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढ रखी है, रिक्वायर्ड नहीं है मतलब, ठीक। देखो इसमें ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है फिर से, लेकिन हर किताब इसको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको, हर किताब में, और आप डाउट लेके ही आओगे पक्की बात है, तब वो हिंट तो एक बार देना ही पड़ेगा इसमें हुआ क्या है, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा कि पेपर में आएगा, मुझे नहीं पता पेपर में आएगा, ये आया नहीं है कभी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना ये भी, देखो इसकी शक्ल तो देखो यार कहाँ जा रही है इसकी, बट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किया क्या है हमने इसमें, इसके अंदर ट्यूब की शेप चेंज की है, हमने जो क्वेश्चन किया वो इस यू शेप ट्यूब पे किया हुआ है, एनसीईआरटी में एच हाइट अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद है, और फिर मैंने प्रूफ करवाया था अगर वाई इसको प्रेस किया
तो भैया वाई ऊपर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स है वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2y, ये हमने ये ऐसे इसमें कुछ करने वाले हैं, रिस्टोरिंग फोर्स में ढूंढनी पड़ेगी। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे ढूंढेंगे ये देखें, पहले लिक्विड दोनों एक लेवल पे थे, यहां पे था, बात खत्म। फिर आपने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस कितना किया, बाय डिस्टेंस ऑफ x प्रेस किया, तो ये x इधर गया तो x इधर भी उठ गया। तो अगर ये x है और मान लेते हैं ये थीटा 2 है, तो एक ना राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बनाना है, अप्रोक्सीमेट, देखो अप्रोक्सीमेट है सारा, अप्रोक्सीमेटली बनाना है कि जैसे ये एक लाइन खींच के ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाया, ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 लिया और ये हाइट निकाल ली जो कि क्या x sin थीटा 2, ये देख रहे हो मैं लिखा हुआ है x sin थीटा 2, यहां पे x sin थीटा 2 है ये, ऐसी यहां पे लिया। अगर ये x है और मुझे ये हाइट ढूंढनी है, ये वाली हाइट कितनी है, ये थीटा 1 तो थीटा 1, तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ऐसा अप्रोक्सीमेट बन जाएगा कुछ ऐसा ऐसा, तो एंगल क्या है थीटा 1, तो अगर ये x है और ये थीटा 1 है तो ये क्या बनेगा x sin थीटा 1। तो हमने ना वर्टिकल हाइट ढूंढनी होती है, हम अपना काम वर्टिकल, क्योंकि प्रेशर के चैप्टर में वर्टिकल हाइट ढूंढी जाती है, तो ये वर्टिकल हाइट x sin थीटा 1 है, स्लांट हाइट टेढ़ी ढूंढी जाती है और ये x sin थीटा 2 है। तो अब शुरू करते हैं, तो h की वैल्यू क्या है, h का मतलब मान लो आपका लिक्विड, अब लिक्विड का लेवल यहां पर आ चुका है, एक लाइन खींच ली, तो अगर मैं इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड को हटा दूं तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन डेवलप कर रहा है, ये पूरे का पूरा वेट ऑफ द लिक्विड रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है, ये वेट ऑफ द लिक्विड में ये हाइट क्या है, टोटल टोटल वर्टिकल हाइट क्या है, दिस हाइट प्लस दिस हाइट, ये हाइट तो पता है x sin थीटा 2 और ये हाइट क्या आ गई x sin थीटा 1, तो चेक किया h की वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस एरिया इनटू h, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा एरिया इनटू h में, एरिया इनटू h इनटू रो इनटू g, ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से ये एक्सेलरेशन इधर, मास नीचे आ गया, कंपेयर किया ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ऐसा कुछ सोच के इसको डिजाइन किया गया क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी कम है नहीं आएगा ठीक। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं, एक ही बार आया है पूरे जब से पढ़ा रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं 20 साल में एक ही बार दिखेगा क्वेश्चन का, मतलब समझा देता हूं, बाकी आपकी मर्जी या ऑप्शन सॉल्यूशन आप घर जाकर देख सकते हैं अगर आपको डर लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। इसके अंदर एक टर्म यूज की गई जो आपके सिलेबस में नहीं है, टू SHMs आर राइट एंगल्स, राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लिसाजोस फिगर। लिसाजोस फिगर तो मैथ्स वाले में सिखाते, लिसाजोस फिगर होता है जब दो साइन कर्व्स मूव कर रहे हो इकट्ठे और आपस में 90 डिग्री पे, जैसे एक ऐसी और एक ऐसी आपस में 90 डिग्री है, इसको लिसाजोस फिगर बोलते हैं कॉम्बिनेशन को। तो वो कह रहे हैं दो राइट एंगल्स SHM है जो लिसाजोस फिगर बनाते हैं और इसका ऑप्शन कंपेयर करना है, बच्चे में छोड़ दिया मैथ लगा लेना, सर्कल लिप्स जो बनानी है क्वेश्चन बनाते रहना, तो करना कुछ नहीं आपको इसमें, मेडिकल वाले नॉट फॉर मेडिकल, स्ट्रिक्टली नॉट फॉर मेडिकल, सोच भी ना लेना मेडिकल वाले, पढ़ के भी मत जाना, काटा ही मार देना। तो वो लोग जो मैथ के लोग हैं वो तो क्या करते हैं, वो ना जैसे इसमें चार ऑप्शन देगा, उनमें से जैसे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन पुट कर करके देखना होता है, जैसे ए नॉट इक्वल टू बी है ना, ए इज स्मॉल ए स्मॉल बी के इक्वल है, डेल्टा पाई बाई टू है और फिगर एलिप्स है, ये पहला ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन यही है एक्चुअल में। तो क्या ये सर्कल है कि नहीं ये आपको देखना होता है, जैसे एक ऑप्शन ये भी होगी ए बी के अगर इक्वल है, ए बी के इक्वल है, स्मॉल ए स्मॉल बी के इक्वल है और डेल्टा यहाँ पर 90 पुट कर दें तो 90 प्लस थीटा कॉस बन जाएगा, एक कॉस और एक साइन, अगर हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो इक्वेशन सर्कल की बनेगी, इसमें ऐसी बनेगी इक्वेशन। तो प्रॉब्लम है ये ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन मिल गया फिर तो आप सर्कल मार्क कर देना, नहीं मिला ये होएगा ही नहीं ऑप्शन में, नहीं मिला फिर दूसरी फिगर उठाएंगे, ऑप्शन पुट करेंगे, इक्वेशन मान लो ये आ गई स्ट्रेट लाइन की तो ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपको, फिर ऐसी और ऑप्शन पुट करेंगे फिर ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, मैथ के लोग जानते हैं एलिप्स की मतलब हिट एंड ट्रायल पुट कर करके, तो मैथ की प्रॉब्लम ज़्यादा है और ये फिजिक्स की प्रॉब्लम कम है, बस फिगर भी गिवन होगी कंडीशन भी गिवन होगी, पुट कर करके देखना है सर्कल की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या एलिप्स की इक्वेशन है, पर लिसाजोस फिगर देखते ही लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वो कहेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अंदर तो मैथ निकला लेकिन अंदर चाहिए नहीं था जो फिगर आपको बिल्कुल भी। पॉइंट यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है मैंने किया हुआ है ना इसलिए बता रहा हूँ ठीक।
तो एक स्फेयर जिस जो ब्रास का बना हुआ है वर्टिकल स्प्रिंग के साथ है, फ्रीक्वेंसी एफ है। बॉल को एक लिक्विड में डाल दिया तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि ना के चेंज हो रहा है ना एम चेंज होता है, सेम रहती है। पानी के अंदर स्प्रिंग मास सिस्टम जाएगा तो भी आंसर सेम देगा। फिर क्वेश्चन आ गया पोटेंशियल एनर्जी एरी, टाइम पीरियड निकालो, क्या करेंगे? यू को पहले फोर्स निकलेगी माइनस डी यू बाय dx, तो लगाएं कैलकुलस, तो ये इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करके ना, जैसे उसमें c था, इसमें c की जगह 2 है, बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो डिफरेंशिएट करके ये टर्म आएगी, साइन 2x की जगह 2x लिख लें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या आ गई? मास 1 गिवन है तो एक्सेलरेशन आ गई, यहां से ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, मास से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, सेम है जो cx वाला क्वेश्चन था, सेम है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, ये हमने किया हुआ है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स आर इन SHM विद एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, वन इज एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू एंड अदर माइनस ए बाई टू, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो आपको ये बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन देम पाई बाई थ्री है, ये ऑब्जेक्टिव में गिवन होगा, फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री जो भी होगा, ये आपको मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन। तो दो SHM एक ही तरफ चल रहे हैं, एक ही तरफ चल रहे हैं, और एट टाइम टी इक्वल टू 0 उनकी ये सिचुएशन है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? अगर तो किया जाए मैथ से y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पुट कर करके ओमेगा टी फेज डिफरेंस, फिर जो है बहुत लंबा, कंपेयर योर मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बात ही खत्म। देखो एक x क्या है ए बाई टू, एक x क्या है माइनस ए बाई टू, बन गई फोटो इसकी। एक पार्टिकल का की पोजीशन ये ले लो, एक ये ले लो, देखो ना x की वैल्यू आ गई। और फेज डिफरेंस क्या होगा? इन दो लाइंस का डिफरेंस फेज डिफरेंस है। तो ये ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए बाई टू, ये ए, तो ये एंगल आ गया, ऐसे ये एंगल आ गया, टोटल एंगल 180 है। 180 में से पाई में से इन दोनों को माइनस करके फेज डिफरेंस की वैल्यू एक सेकेंड में फोटो से निकाल दी, किया ही नहीं मैच इसमें। कंपेयर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्स दे तो रहा है आपको, दो एक्स दे रहा है, वो 2x दे के आपने फटाफट सर्कल कंपेयर करके एंगल निकाल दिया, ये भी क्या टेक्निक है। इसलिए डल है कि अगर बहुत लंबा मैच जा रहा हो तो ऐसा भी क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा है ये भी, ये सेम है एफ वाला, सेम एफ की वैल्यू माइनस 10x है, तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गई, कंपेयर करके ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड, सेम है, सेम आसान है, आसान है, बाकी ईजी है, प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इजी है, इजी है। फिजिकल पेंडुलम है, हमने रॉड का फिजिकल पेंडुलम क्लास में किया था, अगर रॉड मूव करती है तो आई क्या लेना है? मेरा स्क्वायर बाय थ्री, लेकिन रॉड की जगह वो फिगर क्या लिख रहे हैं? सिलेंडर, सी वाला नहीं, सिलेंडर, सिलेंडर लिख लो, एक थिन रॉड होती है, बच्चे छोड़ आएंगे इसे, पता नहीं कौन सी फिगर दे दी हमें, तो लिख लो थिन रॉड है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री लगाना है टेंजेंट, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही पुट करना है और आई की जगह में स्क्वायर बाय थ्री, सही है, ठीक। जैसे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट क्योंकि 2 मिनट हैं तो बता देता हूं। तो एन ऑब्जेक्ट हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास,
तो ये अजीब सा फिगर है, इसका मोमेंट इनर्शिया आई नॉट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये पिवट किया गया पी वन, नेल के साथ यहाँ टांग दिया, फिजिकल पेंडुलम बन गया ये, और इसकी दूरी यहां से एच वन है और यहां से टांग दिया तो दूरी एच टू है। अब वो कह रहा है कि इसका जो अगर मैं पी वन से टांगू तो टाइम पीरियड टी है, अगर पी टू से टांगू पी टू पे पिवट कर दूं तो भी टाइम पीरियड टी है, तो बताओ इसमें एच वन प्लस एच टू की वैल्यू क्या है। तो कोई बात नहीं, पहले आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लें फिजिकल पेंडुलम का, आई बाई एम जी टी, याद है आई की वैल्यू पी वन के अक्रॉस क्या होगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट क्या है आई नॉट, इसके अबाउट क्या है आई नॉट प्लस एम इंटू एच वन स्क्वायर अपॉन डी का मतलब सेंटर ऑफ मास और पिवट पॉइंट का डिस्टेंस जो कि एच वन है। फिर ऐसी सेकेंड केस में एच टू एच टू एच टू कर दो, टाइम पीरियड दोनों में बराबर गिवन है, दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके अपने आप टाइम पीरियड यहाँ से एच वन एच टू की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वन जो भी निकाल, बाकी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ तक मेन फिजिक्स है, कैलकुलेशन से एच वन एच टू निकालना है इसमें।